विजयदशमी के मौके पर सारे देश में शस्त्र पूजन के लिए शस्त्र यात्राएं निकाली गईं। लेकिन इस दौरान आगरा में एक ऐसा नजारा सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल आगरा में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो किया वो प्रशासन पर एक सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने हथियारों का प्रदर्शन करते हुए जमकर फायरिंग की। आगरा किले के पास के प्राचीन हनुमान मंदिर में कार्यकर्ता जुटे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हवा में कई फायरिंग की। आपको बता दें कि फायरिंग करते हुए कार्यकर्ताओं की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में जमे हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर फायरिंग की। कार्यकर्ताओं की इस हरकत के बाद सवाल यह उठता है कि इस दौरान अगर कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।